मेरी ये ट्रिप की शुरुआत होती है एक सपने से। सपना स्नो देखने का, इतना स्नो कि सब कुछ सिर्फ व्हाइट चादर में ढक जाए। ये ट्रिप स्टार्ट होता है मेरी हॉस्टल से, जहां मैं लवली भैया से पूछता हूँ, अच्छा लवली भैया, अपने को मनाली में बर्फ कब तक देखने मिल जाएगी? विकास भाई देखो, आपको स्नो तो दिसंबर के एंड में ही देखने मिलेगा। अब ये सुन के मैं थोड़ा उदास हो जाता हूँ। बट अगर आपको बर्फ देखना है ना, तो आपको थोड़ा ऊपर साइड जाना। तो बस यहीं से इस रोड ट्रिप की शुरुआत हो जाती है। मैं निकल पड़ता हूँ मनाली में सबकी ड्रीम बाइक फॉर माउंटेन्स दी माइटी हिमालयन को रेंट पे लेने। अब मनाली में ही बाइक को पेट भर कर खाना खिलाने के बाद मैं आगे निकलता हूँ और पहुँचता हूँ इस ब्यूटीफुल से सोलांग वैली में। सोलांग वैली को क्रॉस करने के बाद मैं पहुँचता हूँ द किंग ऑफ ऑल टनल, दी अटल टनल। अब अटल टनल की ही मदद से हम हिमाचल को लेह एंड लद्दाख से 12 महीने की कनेक्टिविटी देते हैं। ये खूबसूरत सी टनल 9 किलोमीटर लंबी है और इस टनल को क्रॉस करते ही आपको मिलेंगे दो रास्ते। तो भाई जब आप अटल टनल से निकलेंगे तो नज़ारे कुछ ऐसे होंगे। ये अभी यहाँ से दो रास्ते कटते हैं, एक ये जा रहा है लद्दाख की तरफ और एक ये जा रहा है स्पीति वैली की तरफ। तो अगर आप यहाँ से राइट मारो स्पीति वैली, लेफ्ट मारो तो लद्दाख। अपने को इस तरफ जाना है क्योंकि इसी तरफ केलांग और ये सब वगैरह। भाई इतनी तेज हवा चल रही है ना यहाँ पे, मतलब टनल देखो यार, ये पूरे पहाड़ के अंदर से हम लोग आए और टनल के अंदर इतना बस गरम गरम था सब कुछ और बाहर निकलती भाई बहुत तेज हवा चल रही है। और यहाँ से हमारी एंट्री हो जाती है हिमाचल के लाहौल डिस्ट्रिक्ट में और यहाँ हमें दिखता है ये प्यारा सा विलेज सिसु। अब सिसु से ही हल्की हल्की ठंडक बढ़नी चालू हो जाती है और ये रोड्स भी अब लद्दाख एंड स्पीति का टेस्ट देना चालू कर देते हैं। अब वैसे तो मैं सोलो निकलता हूँ मनाली से, बट इस सफर में एक और सरफिरा लड़का मुझे उसकी हिमालयन के साथ रोड पर मिल जाता है और यहाँ से ये ट्रिप में अब दो हिमालयन दौड़ने वाले हैं। सिसु को क्रॉस करके हम पहुँचते हैं टांडी, जहाँ पर चंद्रा और भागा रिवर का संगम होता है। टांडी के बाद थोड़ी ही देर पर आपको दिख जाएगा ये केलांग। अब केलांग बहुत डेंस विलेज है और यहाँ पे आपको आसानी से स्टेज मिल जाएंगे, तो आप चाहो तो अपना पहला स्टे यहाँ पर कर सकते हो। अब हम केलांग से जैसे ही आगे बढ़ना चालू होते हैं, वहाँ पे हमें दिखने चालू होते हैं ये अनबिलीवेबल फ्रोजन वाटरफॉल्स, जिन्हें देखकर हमारी खुशी संभाले नहीं टिकती। ओ भाई साहब, ये देखो तलवार बने हुए भाई बर्फ के, झरना पूरा फ्रीज हो गया है, कहीं कहीं से बस पानी निकल रहा है, बाकी तो फ्रीज है पूरा। गजब भाई गजब। अब आज रात का स्टे हम चूज करते हैं जिस्पा में। ये अपना स्टे है, बहुत मस्त है यार, सामने ये सब व्यू और मेरे ख्याल से नदी भी ऊपर थोड़ी आगे बहती होगी। एंड हमें ये ब्यूटीफुल सी प्रॉपर्टी मिलती है जिसमें ये ब्यूटीफुल सा कमरा और इसके सामने ये ब्यूटीफुल व्यूज। अब टेम्परेचर पहुंच जाता है -7 डिग्री और डिनर करने के बाद हम सो जाते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग उठने के बाद कुछ ये था वेदर। अब -12 डिग्री में ये वेदर जितना ही खूबसूरत था उतना ही चैलेंजिंग था। इवन हमारी बाइक्स के सीट पे भी एक लेयर स्नो की जम चुकी थी। सुबह का नाश्ता करके हम निकलते हैं आगे दारचा की तरफ। शामे मलंग सी, राते सुरंग सी, बारी उड़ान पे ही जाने क्यों, इलाही मेरा जी आए आए, इलाही मेरा जी आए आए। अब दारचा में ही आपकी चेकिंग होगी और आर्मी वाले आपको अलाउ करेंगे कि आप आगे जा सकते हो कि नहीं। फिर क्या, इंडियन आर्मी से परमिशन लेने के बाद हम निकलते हैं बारालाचा पास की तरफ। बट गलती से एक गलत रास्ता लेकर हमने पकड़ लिया शिंकुला टॉप का रास्ता। पर फिर भी गलती से ही सही, पर भगवान ने हमें एकदम सही रास्ता पकड़ा दिया
शिंकुला टॉप का रास्ता बस थोड़ी ही देर में पूरा चेंज होने लगा। जो पहाड़ अभी तक हमने रूखे सूखे देखे थे वो अब पूरे स्नो में ढके हुए दिखने चालू हो गए। इवन यहाँ की नदियाँ भी जो थी वो भी फ्रोजन पड़ी थी। धीरे धीरे बाइक चलाना भी बहुत मुश्किल हो रहा था इन सड़कों पर। अब भाई मैंने मेरी लाइफ में इतनी स्नो कभी नहीं देखी थी और इसका एंजॉयमेंट भी मैंने खूब उठाया। मैंने जो सपना देख के ये ट्रिप स्टार्ट किया था वो अब पूरा हो गया। साल की पहली स्नोफॉल हुई थी यहाँ पर और इसका एक्सपीरियंस हमें इतना अच्छा मिला। किसी ने सच ही कहा है, सफर खूबसूरत है मंजिल से भी। और जब सफर ऐसा हो, बीआरओ के रोड हो और हाथ में हिमालयन हो, तो